Well, hello, friends. Welcome to another episode of Bollywood This Week. I'm Amar Ansari. आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म जवान के डे नंबर 12 के ऑफिशियल इंडिया ओवरसीज यानी कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया, जवान तो इतिहास रच ही रही है, लेकिन कलेक्शन देने के मामले में भी इतिहास रच रही है। इतिहास में कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा कि पिछले दिन का कलेक्शन जो है कोई भी प्रोडक्शन हाउस जो है वो शाम को 6 बजे रिपोर्ट कर रही है। इट हैज नेवर हैपेंड। मैक्स टू मैक्स 4 या 4:30 होता है। ये इतिहास है, ये फिल्म ने भी इतिहास रचा है एंड कलेक्शन देने के मामले में भी इन लोगों ने इतिहास रचा है। शाम को 6 बजे इंडिया कलेक्शन आ रहे हैं एंड प्रोडक्शन हाउस वर्ल्ड वाइड पोस्टर भी शाम को 6 बजे रिलीज कर रहा है। तो भैया बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो KGF चैप्टर 2 का जो हिंदी वर्जन का रिकॉर्ड है, जो KGF चैप्टर 2 को 57 डेज लगे थे वो रिकॉर्ड बनाने में, वो था 434.70 करोड़ का नेट कलेक्शन हिंदी वर्जन का, वो शाहरुख खान की फिल्म जवान ने सिर्फ मात्र 12 दिनों में तोड़ा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इज द फास्टेस्ट अ फिल्म हैज रीच दिस माइलस्टोन। आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली डे नंबर 12 पे क्या हुआ। गाइस, दिस इज अ ट्रेजेक्ट्री जो हमें आगे कलेक्शन जो है वो यहाँ पर देखने में कोशिश और मदद करेगी। इसी नोट पे आज का एपिसोड जो है चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, 11 डेज तक यानी कि इसके वीकेंड्स तक फिल्म ने 430.44 करोड़ की कमाई की थी। हमारा प्रेडिक्शन था कि मंडे ये फिल्म कहीं ना कहीं 14 यानी कि 14 करोड़ की कमाई करेगी। ब्रेस योरसेल्फ, द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर शाहरुख खान जवान ऑन इट्स 12th डे इन द हिंदी वर्जन इज 14.25 करोड़। तो कलेक्शंस काफी अच्छा है जो यहाँ पर होल्ड है इस फिल्म का फ्राइडे टू मंडे, वो बहुत ही सॉलिड रहा है एंड इसी कारण इस फिल्म ने 444.69 यानी कि 444.69 करोड़ की कमाई कर ली। यानी कि 444.69 हमारा प्रेडिक्शन था, 444.44 बैंग ऑन प्रेडिक्शन वंस अगेन। KGF चैप्टर 2 का हिंदी वर्जन का रिकॉर्ड है वो टूट जाता है। संडे साउथ में इसने 3 करोड़ कमाया था। कल की ऑक्यूपेंसी देख के लग रहा था कि वापस से तमिल तेलुगु वर्जन कहीं ना कहीं 2.80 करोड़ के आसपास फ्लर्ट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं आया, 2 करोड़ रिपोर्ट हुआ है एंड इसी के साथ तमिल तेलुगु वर्जन हैज क्रॉस द लैंडमार्क ऑफ 50 करोड़। द फर्स्ट हिंदी फिल्म टू हिट 50+ करोड़ नेट कलेक्शन इन द डब्ड वर्जन। 51.55 करोड़ पे अब इसके कलेक्शन जो है वो खड़े हैं। सो 444.69 करोड़ हिंदी नेट, 51.55 करोड़ तमिल तेलुगु का नेट। ब्रेस योरसेल्फ्स, द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर शाहरुख खान जवान 12 डेज 496.24 करोड़, 496.24 करोड़ पे कलेक्शन आ गए हैं एंड आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि गाइस आज ये 500 करोड़ नेट कलेक्शन जो है ऑल लैंग्वेजेस सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों में जो है बीट करने वाला है। तो अब गाइस बात करते हैं वर्ल्ड वाइड पोस्टर की। तो भाई आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पोस्टर आपको रिलीज से पहले रिलीज करना था भाई। मतलब हर चीज में इतिहास रच रहे हैं, इतने बाप पोस्टर है। अगर ये पोस्टर जो 2-3 दिन से रिलीज कर रहे हो, सिगरेट वाले ये सब तुम लोग रिलीज से पहले रिलीज करते थे ना भाई, ये सब कलेक्शन में और कम से कम 30-40 करोड़ ऐड होता था। यही पोस्टर गेटी के बाहर लग जाता था, बड़ा कटआउट, पब्लिक वही पागल हो जाती थी। ऑल सेड एंड डन इनकी रिवर्स प्रमोशन चल रहा था, पता नहीं क्या मूड में थे इन लोग, सब लोग परेशान थे इसको लेकर। तो गाइस अब ये पोस्टर रिलीज कर रहे हैं लोग, तो नंबर आपने देख लिया है, द ऑफिशियल कलेक्शन शाहरुख खान जवान वर्ल्ड वाइड इज 883.68 करोड़, 883.68 करोड़। हमारा प्रेडिक्शन था 888.88 यानी कि 888.88 करोड़, अनफॉर्चुनेटली ओवरसीज ने साथ छोड़ दिया। जो उम्मीदें थी ओवरसीज से अब वापस से वीकेंड्स पर जागेगी। नाउ इट्स नॉर्मल बिजनेस फॉर शाहरुख खान जवान इन दी ओवरसीज मार्केट। सो गाइस, इंडिया 496.24 करोड़ नेट, उसका ग्रॉस होता है 591.25 करोड़, ओवरसीज फिल्म ने 292.43 करोड़ यहाँ पर कमा लिया है। तो ये है कन्वर्जन, जिस तरह से ये 883.68 करोड़ का नंबर आया है। So, हिंदी में 14.25, साउथ का 16.25 करोड़ नेट, इसका ग्रॉस होता है 19.83 एंड ओवरसीज फिल्म ने अपने 12th डे पर 5.17 करोड़ की कमाई की थी। हमने ओवर प्रेडिक्ट कर दिया था, हमको लगा था कि फिल्म कहीं ना कहीं 10 कमाएगी आज का, इसलिए मैंने 8 का प्रेडिक्शन रखा हूं क्योंकि अब ओवरसीज में कलेक्शंस धीमे होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली 300 करोड़ कमा लिया और कितना होगा। ओके, तो 8 करोड़ नहीं आया, 10 करोड़ नहीं आया, 5.17 करोड़ आया,
फिर भी जवान ने अपने 12वें दिन पर पूरे विश्व भर में 25 करोड़ कमाकर आज का वर्ल्ड वाइड पोस्टर जो है वो 883.68 करोड़ का वो रिलीज किया है। ओके गाइस, सो मच कैपिटल, सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो अब ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या होता है, रात का एपिसोड यानी कि डे 13 का प्रेडिक्शन एपिसोड लेट आएगा, 10 बजे के बाद आएगा, तो उसका इंतजार कीजिए। ये एपिसोड देखिए, इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।